लो भैया, फिर से आ गई है Q&A सीरीज। और इस Q&A की सीरीज में मैं आपके चटपटे क्वेश्चन का चटपटा आंसर देता हूँ। इस वीडियो में यही होने वाला है, तो फिर इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, और जस्ट बगल में एक घंटे का बटन होगा, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन के आंसर दिए जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, MI का CEO मैं होता तो फ्लैश सेल का क्या करता। भैया फ्लैश सेल होती ना, और आपने सोच लिया है कि MI का CEO मैं हूं, चलो थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या पता अब नींद ना आए। लेकिन हाँ, CEO होता आपको हैंडसेट बिंदास मिलता, चाहे भले मैं प्रोडक्ट का प्राइस 500 रुपए बढ़ा देता, लेकिन सबको मैं प्रोडक्ट देता। और ये जो ड्रामा चलता है ना कि आप आओ, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये सब तो होता ही ना। आप सभी को हैंडसेट विदाउट फ्लैश सेल मिलता, दुकानों में मिलता, आपके मकान में मिलता, वेबसाइट में मिलता, हर जगह बिंदास तरीके से खुलेआम बिकता MI के हैंडसेट। दूसरा क्वेश्चन है, DSLR कैमरा लेना है 40,000 से 50,000 रुपए तक। भैया मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा जो कैमरा मैं यूज कर रहा हूं, मेरे पास भी रुपए थोड़े कम कम आते हैं, तो मुझे लगा कि यार कम रुपए में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो क्या बात है। और मैंने बाय किया है कैनन का 200D। 200D बड़े कमाल का है, सबसे कमाल की चीज है ये, यहां आपको ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है, मतलब आप फोकस में हरदम रहेंगे। बहुत ही लाइट वेट है, इसकी स्क्रीन भी रोटेट हो जाती है। यदि आप व्लॉग शूट करना चाहते हैं, अपनी शक्ल देखना चाहते हैं, तो इस कैमरे से आप निराश नहीं होंगे। उसके साथ साथ यहां आपको हर एक चीज की कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप अपने हैंडसेट को अपने DSLR से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप वाईफाई से कर दें, चाहे आप NFC से कर दें, कुछ भी कर दें। लेकिन मेरे हिसाब से 40,000 रुपए तक में कैनन का 200D किलर है। अगला क्वेश्चन है, BB के साथ कोलैब करने का चांस मिल जाए तो आपका क्या रिएक्शन। भाई BB के साथ यदि कोलैब करने का चांस मिल जाए ना, मैं अपनी BB को पहले भूल जाऊंगा। हाँ भाई ये तो मजाक था, BB को तो याद रखूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए BB को भूल जाऊंगा और बिंदास BB के साथ कोलैब करूंगा। और उसके साथ साथ ये कहूंगा कि भाई प्लीज इस कोलैब को अपने जो मेन चैनल में वहां पर शेयर कर देना, ताकि आप जैसे सब्सक्राइबर मेरे तक आ जाए और कुछ और लोग मेरे से जुड़ जाए। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे बिलीव नहीं होगा कि BB ने मुझे कॉल किया है, BB के साथ मेरा कोलैब है। अगला क्वेश्चन है, मेरा गोल क्या है YouTube में। एक ही गोल है, आप मुझे प्यार दे दो, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता जाऊं और आज जो मैं हूं वैसा ही आगे रहूं, मतलब बिंदास ये चैनल ग्रो करे और आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे, प्यार इतना मिले कि ये जो प्यार वाली सुराही है ना, ये घड़ा है ना, ये भर जाए, और भरने के बाद ना भाई आप और हम मिलके और कोई नई चीज क्रिएट कर दे। बस गोल छोटा सा, सबका साथ सबका विकास। अगला क्वेश्चन, Xiaomi के बारे में कुछ बोला तो तेरी जान ले लूंगा। ये क्वेश्चन पढ़ के तो मेरी जान पहले से ही चली गई है। मैंने एक वीडियो बनाया कि Xiaomi को फ्लैश सेल बंद करना चाहिए, वहां तरह तरह के कमेंट, कोई गाली दे रहा है, कोई कहता है साले तेरा क्या जा रहा है, पहले तू देख ले Xiaomi जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, वो चाइनीज नहीं है, हमारे भले के लिए सोच रही है, MCBC जो भी है सब कुछ बोल रहे हैं कि भैया एक चीज जान लो, आपके भले के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है, आप जो भी बोलो, लेकिन Xiaomi का फ्लैश सेल वाला ड्रामा बिल्कुल गलत है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस हैंडसेट के लिए परेशान लो। यार बिंदास आप हैंडसेट यूज करो यार, 14,000 रुपए का ये प्रोडक्ट है, आप इसके लिए 15,000, 16,000, 17,000 रुपए दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मैं Xiaomi को बुरा नहीं कहता, जो कंपनी अच्छा काम करेगी मैं उसके लिए अच्छा बोलूंगा, बिंदास बोलूंगा, और मैं बोलता भी हूं। और मुझे उस वीडियो में सपोर्ट भी बहुत लोगों का मिला, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे लाइक्स आ रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं जो मुझे हेट करते हैं,
भाई बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनता है। एक बार आप वीडियो अपलोड तो करो, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या होता है एक वीडियो बनाने में। और Xiaomi से मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरे पास भी Xiaomi का हैंडसेट है और मैं चाहता हूं कि Xiaomi का हैंडसेट बस फ्लैश सेल में ना मिले। अगला क्वेश्चन है, फेक सब्सक्राइबर होते हैं या नहीं? बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे, मेरे मित्र ने ये क्वेश्चन पूछा था और मैं बहुत ही सरल तरीके से उनको बता देता हूं। भाई सब्सक्राइबर आते तो हैं लेकिन पता नहीं चले कहां जाते हैं, ये नहीं पता चलता। आप चाहे जो भी बड़े चैनल को देख लो, किसी भी चैनल में जाओ, सब्सक्राइबर आपको मिलियन दिख जाएंगे लेकिन व्यूज बहुत ही कम। सब्सक्राइबर बस एक वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं और चले जाते हैं। यार ईगो हटा दो। सबसे पहले तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, आज जैसा है कल मुझे नहीं पता कैसा होगा, लेकिन हाँ वीडियो जरूर बनाओ। मैं अपने चैनल पे आपको वीडियो देता हूं, पूरी मेहनत से देता हूं, सोचता हूं कि भाई आपको क्या कुछ देना है। मेरे हिसाब से सब्सक्राइबर रियल होते हैं, यदि सब्सक्राइबर रियल होते हैं तभी वो वीडियो वॉच करते हैं, और यदि आप रियल वाले सब्सक्राइबर हो तो भाई आप मेरे हर एक वीडियो को वॉच करो, और कुछ गलती हो जाए मेरे से, मैं भी एक इंसान हूं, तो भाई माफ कर देना। बस हर एक वीडियो में लाइक करो, शेयर करो और वॉच करो। अगला क्वेश्चन है, Redmi Note 5 Pro लूं या Gen Phone 5 के लिए वेट करूं? यार 14,000 रुपए में Redmi Note 5 Pro नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक में रह नहीं रहा। लेकिन Gen Phone 5 में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले मैं कैमरे की बात कर दूं, यहां आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा, वहीं Gen Phone 5 में आपको मिलेगा 12+8 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन वहां एक लेंस होगा वाइड एंगल लेंस। उसका जो बॉडी होगा वो कहीं ना कहीं मेटल के साथ साथ ग्लास होगा, मतलब वो बॉडी देखने में इससे अच्छी होगी। स्क्रीन ऐसी ही है फुल एचडी प्लस, स्क्रीन में कोई भी कमी नहीं है, आपको टाइप सी पोर्ट उसमें मिल जाएगा, आगे की तरफ आपको नॉच देखने को मिलेगा जैसा आपको आईफोन 10 में मिलता है। और मेरे हिसाब से यदि इसका प्राइस 17 से लेकर 20 तक हुआ, थोड़ा वेट कर लो, ये प्रोडक्ट आपको लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा कि भाई कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा। लेकिन यदि आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो आप Gen Phone 5 के लिए वेट कर सकते हो। यदि ये फोन 17,000 रुपए तक का आया ना तो भाई Xiaomi के Redmi Note 5 Pro को ये फोन कड़ी टक्कर देने वाला है। अगला क्वेश्चन है, Redmi Note 5 का 6GB वाला जो वेरिएंट है वो लेना सही होगा कि गलत होगा? यार 2GB रैम के लिए आप 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है? केवल रैम, आपकी मेमोरी भी सेम है 64GB, इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। मेरे हिसाब से 3,000 रुपए वेस्ट करना बिल्कुल सही बात नहीं है, आपके लिए 4GB सफिशियंट है। 4GB के साथ साथ आपको 64GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, मुझे नहीं पता 2GB रैम के लिए Xiaomi ने 3,000 रुपए क्यों बढ़ाए। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भैया 14,000 रुपए लगा लो, 17,000 रुपए में मत जाओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? हाँ है, सही बता रहा हूं, हाँ है, लेकिन मैं उसका नाम इस चैनल पे नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको पता है ना गर्लफ्रेंड के नखरे हजार होते हैं, और यदि मैंने उसका नाम ले लिया क्या पता साला मेरा ब्रेकअप हो जाए और मैं फिर अकेला हो जाऊं। तो भैया थोड़ा से माफ कर देना, आप भी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ना लो और मैं भी अपने गर्लफ्रेंड का नाम ना लूं, लेकिन हाँ बता देता हूं, यस 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 है मेरी गर्लफ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मीटअप कब करोगे? यार आप ये पूछ रहे हो, जब भी आपको मिल रहा है आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर में जाओ, वहां मुझे बोलो कि भाई आप कहां हो, गुड़गांव में मैं रहता हूं, बिंदास आ जाओ और हम मिलके बातें करें यार, 1-to-1। मैं तो कहता हूं भाई मैं सबसे मिलना चाहता हूं, आप प्लान करो 10-50-100 लोग इकट्ठा हो जाओ और मुझे एक मैसेज कर दो कि भैया हम इतने लोग इकट्ठा हो गए आप जल्दी से आ जाओ और मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, इतने सारे क्वेश्चन थे, आप बोर हो जाओगे और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कोई भी क्वेश्चन है आप यहां बता देना, इस वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन पूछो,
ट्विटर में पूछो, इंस्टा में पूछो, जहां पर भी मन करे आप वहां पूछो और कमाल के क्वेश्चन पूछो और कमाल का मेरा भी आंसर होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हो सके तो भाई आज लाइक इतने कर देना कि आज YouTube वाले भी सोचें कि भैया इतने लाइक इस चैनल के इस वीडियो में कैसे आ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।